फ्रेंड्स, देयर आर टू थिंग्स टू बी डन. एक तो मैं बना के लाया हूँ, ये क्या है, कैबेज, उसको बात हुआ है. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मॉर्निंग में न्यूज़ पेपर खत्म नहीं आता, तो न्यूज़ पेपर पढ़ना है फिलहाल. सो विल बी डूइंग दैट वन थिंग. चलो लेट्स स्टार्ट इट. लास्ट मैनी मंथ्स वी हैव बीन सीइंग कि गवर्नर जो भी हैं स्टेट्स के, उन पे काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट किए जा रहे हैं, इधर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट. कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि वो सेंटर के हिसाब से चल रहे हैं, और कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो हमारी बात नहीं मान रहे और आप सही ढंग से फैसला नहीं ले रहे हैं. और उसी बीच में एक और चीज़ आई कि नीट जो होती है एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एक तरीके से. अब उसमें जो इश्यूज हैं वो तमिलनाडु के इश्यूज हो, बाकी स्टेट्स को भी रहे थे, तो उसके बारे में आज दो आर्टिकल बड़े प्यारे प्यारे थे. एक तो ये कि स्टालिन, एम के स्टालिन जो कि पहले फ़िलहाल सीएम हैं तमिलनाडु के, ही केम अप विद द आर्टिकल. ये आर्टिकल एक्चुअली उन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं था, ही हैज़ गिवन दिस स्पीच इन द लेजिस्लेचर, तो उसको पकड़ के और कुछ इनकी बातों को पकड़ के यहाँ पे इस चीज़ को एक तरीके से बनाया गया. ऑब्वियसली कंसेंट ली गई थी, ठीक है. तो इन्होंने ये चीज़ पूरी बताई, आई हैव ऑलरेडी गोन थ्रू दिस व्हाइल ही वाज स्पीकिंग, ठीक है. तो उस चीज़ को मैंने समझ लिया था, तो पढ़ा नहीं, लेकिन इट इज़ देयर, मीन्स इट रियली कैरीज वैल्यू. एंड देन सेकेंड थिंग इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो चेन्नई बेस्ड है, वो वहीं से मद्रास से स्टार्ट होता है. और ये आर्टिकल भी स्टार्ट हुआ था इस बात से कि इलेक्शंस वर हेल्ड इन द स्पीकर in the province of Madras when electoral system was first established in India to elect people's representative by the people. वो हुआ था 1920 में, ठीक है. तो the first government general election 1920 when the country was under British rule, वहाँ पर पहला election हुआ था. और उस time पर all those who traveled to India from England to observe the working of Madras Provincial Assembly, उन्होंने कहा था कि मद्रास प्रोविंस इज़ द ओनली प्रोविंस इन इंडिया गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. तो ये इस चीज़ का परिपक्ष ये बांध के फिर आगे चीज़ को समझाते हैं. बट सेकेंड चीज़ आप इसको यहाँ पे ये भी समझो कि उस टाइम पे सिर्फ चार ही प्रोविंशियल इस तरीके के प्रोविंस जो कि गवर्न होते थे बाय द ब्रिटिश रूल, एक बॉम्बे, मद्रास, तीसरा कलकत्ता, चार भी नहीं थे, तीन ही थे, ठीक है. और जो बाकी प्रोविंशियल जितनी छोटी छोटी चीज़ें होती थी, जो भी, एक तो बड़ा कमिश्नरेट हो गया वो भी उनके अंडर में था, लेकिन एक बड़े प्रोविंस के तौर पे वहाँ पे नहीं देखा था उसको. या फिर आप एक चीज़ को कह लो कि क्या बोलते हैं इसको, कमिश्नरेट सिस्टम था, प्रोविंशियल था, और फिर प्रिंसली स्टेट्स. तो प्रिंसली स्टेट्स को तो हम कह ही सकते हैं कि वो अपनी ऑटोक्रेटिक वे में चलाते, बट उन्होंने लॉन्ग लेंथ पर जाके चीज़ समझाई. अब इसमें भी गवर्नर का रोल थोड़ा बहुत बीच में कहीं खटकता है, और ये तो इन्होंने समझाया कि नीट को वो क्यों अपोज करें. तो ठीक है, सेकंड इसके जस्ट बिल्कुल साइड में नीट इन द स्टेट्स, तो ये इसी से रिलेटेड है, बट स्टेट इज़ द मेन पॉइंट हियर. और वहाँ पे उसमें फिर गवर्नर के बारे में बात आती है. फिर जब हम आ जाते हैं तो हमारे को लास्ट में एक एक्सप्लेनर मिलता है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में, फैक्ट एंड कंटेक्स्ट द लास्ट वन, जिसमें कि गवर्नर्स रोल इन अप्रूविंग ए बिल को भी समझाया गया. कि जैसे केरला में अगर आपको सुनने में आता हो तो खान साहब वहाँ पे गवर्नर हैं, वो आए दिन न्यूज़ में रहते हैं. और एन रवि जो कि अभी तमिलनाडु के गवर्नर है, वो इसी बारे में न्यूज़ में. तो जब भी कोई लेजिस्लेचर जो है वो एक लॉ को पास करती है या एक बिल को पास करती है, तो वो पास होने के बाद लॉ कैसे बनता है, लॉ बनता है गवर्नर के एसेंट से. तो गवर्नर के पास क्या क्या पावर है वो सारी यहाँ पे इन्होंने समझा रखी है, ठीक है. अब हम कहते हैं कि करंट अफेयर क्यों ज़रूरी है हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये चीज़ तो न्यूज़ में थी, ठीक है. अब गवर्नर स्टेट, अब इससे आप सोचो कि क्या क्या पॉसिबल वेज है कि यूपीएससी सवाल उठा सकता है. तो यूपीएससी सवाल उठाता है, हमको पता है कि हमारे लिए हमारे पास ग्रंथ सिर्फ एक है, इंडियन पॉलिटी की, ये लक्ष्मीकांत मतलब. अब इसमें एक टॉपिक आता है, ये 30th टॉपिक आता है, गवर्नर अपॉइंटमेंट एंड गवर्नर, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस, पावर एंड फंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ गवर्नर. ये 10-12 पन्नों का जो चैप्टर है ये हमें समझाता है कि गवर्नर का क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है. अब क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से तो पूछ ही सकता है, अब यहाँ से भी कहाँ से पूछेगा,
जहाँ पे आप फंस सकते हैं, आप और मैं फंस सकते हैं। हम कहाँ फंसते हैं, एक चीज़ कि उसकी डिस्क्रिशन कहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है, और डिस्क्रिशन कहाँ कहाँ अपना यूज़ कर सकता है। दूसरा, जब बिल स्टेट लिस्ट में हो या सेंट्रल लिस्ट में या फिर कंकरेंट लिस्ट में, तो उसकी पावर ना अलग अलग वेरी करती है। जब स्टेट लिस्ट में होता है तो उसने जो बोल दिया वो ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में जब होता है तो वो जो बोलता है वो बेचारा बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, पहली बात तो, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में ही नहीं है, तो उसका बिल बना कैसे सकते हो, उस पर लॉ बना कैसे सकते हो। थर्ड होता है कि कंकरेंट लिस्ट में मैं भी बना सकता हूँ, स्टेट भी बना सकते हैं, तब क्या करेगा, तब वो फंस जाता है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन हमारा उठ ही सकता है कि भाई गवर्नर की पावर्स क्या है। दूसरे जो मैंने चीज़ें बताई, फिर वो आती है शेड्यूल में आ जाती है, शेड्यूल फोर, हाँ, जहाँ पे ये बातें लिखी गई कि सेंटर में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है और हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है। तो उन टॉपिक्स को भी पढ़ना कि भाई एजुकेशन जो है वो किस लिस्ट में आती है, एग्रीकल्चर है किस लिस्ट में आती है, जो भी न्यूज़ में चलते हैं। सो न्यूज़ बिकम्स अ वे टू इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर अस, बिकॉज यहीं से हमको समझ में आता है कि टॉपिक क्या है, डिबेट किस बात पे हो सकती है। कोई भी आदमी होगा, लेट्स से बीइंग एन आईएएस ऑफिसर जो यूपीएससी को हेड कर रहे हैं या फिर जो न्यूज़पेपर सेट कर रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं, हमारी तो सोसाइटी के बीच के आदमी, तो वो भी कहाँ ही घूमते हैं, सोसाइटी में जो न्यूज़ चल रही है उसी को ही पकड़ते हैं और उसी से ही घुमा फिरा के वो क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। सो दैट हैविंग दैट सेड, न्यूज़पेपर्स आर इम्पोर्टेंट, बट अलॉन्ग साइड दस न्यूज़पेपर के साथ आपको इंट्रोड्यूस क्या करना होगा, अपनी बेस बुक्स को, कि मेरे को जो न्यूज़ में चल रहा है उसकी इन डेप्थ नॉलेज है, ताकि कल को मैं आईएएस ऑफिसर बनता भी हूँ तो जब मेरे से कोई सवाल पूछेगा तो मैं अपने आप को और अपनी पोस्ट को एम्बेरस ना करूँ। आई शुड हैव द इन डेप्थ नॉलेज अबाउट माई सेल्फ एंड माई पोस्ट एंड व्हाट इज़ गवर्निंग इन द सोसाइटी। यही एग्री करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले अभिषेक सरफ सर से बात की तो उन्होंने यही मेरे को समझाया था कि बी बिल्ट कैरेक्टर, अगर आज पढ़ाई करो तो कल भी करोगे, परसों भी करोगे, तरसों भी करोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कल आप आईएएस बन गए लेकिन आपने परसों पढ़ाई करनी छोड़ दी तो आप अच्छा आईएएस नहीं बन सकते। सो यू हैव टू कंटिन्यू रीडिंग द करंट अफेयर थिंग्स एंड देन सप्लीमेंट योरसेल्फ विद ऑल द बुक्स दैट यू हैव ऑन योर टेबल, बी इट पॉलिटी, बी इट ज्योग्राफी, बी इट आर्ट एंड कल्चर एंड अदर थिंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, चलो भाई जाके सोते हैं, इट्स ऑलरेडी 11 o'clock।